सतना जिले के जनपद सोहाबल अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरवा के ब्राह्मण बस्ती का 25 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर 2013 में रिपेयरिंग के नाम पर कोठी बिजली विभाग द्वारा निकाल लिए जाने के बाद आज तक विद्युत ट्रांसफार्मर आखिर क्यों नहीं लगा, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर न होने के बावजूद भी हम लोग बिजली का बिल दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर कई बार आवेदन भी दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सन 2013 से बिजली को लेकर परेशान हो रहे हैं। दूसरे विद्युत ट्रांसफार्मर से लाइट जलाने पर लड़ाई झगड़े का सामना भी करना पड़ता है। पूर्वा ग्रामवासियों ने दोबारा आवेदन के माध्यम से कोठी विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित अधिकारी को आवेदन के माध्यम से अपनी परेशानियों को अवगत कराते हुए अगर बिजली की समस्या का हल नहीं किया गया तो विद्युत वितरण कंपनी कोठी के सामने अन्न जल त्याग कर अनशन करने की चेतावनी दी। तो जी, मतलब आपके द्वारा क्या कहा जाता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी कोई बातें सुनी नहीं जाती हैं? कोई नहीं सुनी जाती, बोलते हैं कि लग जाएगा, हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कब का निकला हुआ है आपका? 2013 का निकला हुआ है। 2013 का, लेकिन आज तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कितने बार आए, कितने बार चले गए, कोई मतलब नहीं यहाँ से। ऐसा आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, बस। मतलब आपकी कोई नहीं सुन रहा है? नहीं सुनता। आपका नाम? अक्षय बहादुर सिंह। ठीक। ग्राम पुरवा पंचायत के नागरिक है। 6 वर्ष पूर्व हमारा ट्रांसफार्मर निकाल लाया गया था जी, जिसमें कि पहले भी हमने इसकी ख्वाहिश की जी, तो कोई भी नहीं हुई। क्या आपको मतलब यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं। हमने यहाँ आया तो बोला चोरी हो गया जी। जे साहब के द्वारा आपके लिए क्या बोला जा रहा है? वो तो बोलते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी काम नहीं होगा। मतलब कोई भी काम न होगा, मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा या न लगवाया जाएगा? कहते हैं कि अगर होगा तो लगवाएंगे, नहीं नहीं लगवाएंगे हम। होगा तो लगवाएंगे, मतलब मनमर्जी तानाशाही का प्रयोग कर रहे हैं जी। तो आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही? अगर हमारा काम नहीं हो रहा जी तो हम 7 दिन के भीतर जी जी तो हम भूख हड़ताल अनशन धर के यहीं सामने बैठ जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही आपको? आप लोगों को न बिजली मिल रही, बिजली के कारण पानी रुका है जी, बरसात का मौसम है, लड़के हैं, बच्चे हैं, सांप खा ले, बीछी खा ले, किसका कौन जवाबदार होगा जी? और बिल आता, मतलब है बिजली का बिल आपका जमा होता है हर महीना? तो जब आप बिजली का बिल नहीं जलाते हैं तो फिर आप जमा क्यों करते हैं? क्या करें भाई, गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं घर, परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। बिल्कुल, मतलब जब आप बिजली नहीं जला रहे हैं तो उसके उपभोक्ता भी, तब भी आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं? यहाँ के कार्यकर्ता जो है बिल लेके घर पहुँच जाते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, ये करते हैं जी। नाम? लाल बिहारी सिंह जी। ग्राम पंचायत जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं जी, 6 साल हो गए जी, और कहीं से हम फंसते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए लोग बाग तैयार हो जाते हैं, यहाँ वाले हैं तो जाते हैं तो बिल लेते हैं। मतलब आप बिल जमा करते हैं? हमेशा, हर महीने जमा करते हैं हम लोग जी, कहीं भी। तो आपके द्वारा यह कथित है कि मतलब आप दूसरे मोहल्ले से अगर लाइट ले रहे हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा की विवाद उत्पन्न हो जाती है, तारें कट जाती है जी, और जो भी लाइट मिली वहाँ से, जहाँ से लेते हैं तो डिब्बी से भी कमजोर रहती है जी, न मोटर चलती, न पंखा चलता, न बल्ब जलता। तो बिल आपका जमा होता है हर महीने? ऐसा जलता है। चलिए ठीक, तो हम जी साहब का क्या कहना है? उनका कहना है कि जब वो देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। मतलब कोई वो नहीं है कि आपका लगेगा ही ट्रांसफार्मर? 6 साल से ऐसे ही हो गया जी। चलिए ठीक, कोई आश्वासन ये नहीं है कि यहाँ लग ही जाए जी जी जी। वो बोलते हैं क्या मेरे पास यहाँ रखा है कि मैं लगा दूँ।